नमस्कार, मैं विवेक टोकरा, आप देख रहे हैं प्राइम। गुरपुर थाना क्षेत्र गोहनिया स्थित फ्लाईओवर पर उक्त थाना क्षेत्र के कांटी गांव निवासी अनिल सोनकर का सब मिला। परिजनों ने गुरपुर पुलिस पर हत्या करवाने का लगा रहे है आरोप। परिजनों का ये आरोप है कि कल शाम को अनिल घर से निकला देर रात। जब अनिल घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने रात लगभग 11:30 बजे इसकी सूचना लिखित गुरपुर एसओ को दी। एसओ साहब बोले कि ठीक है, जाओ सुबह आना, हम जांच करेंगे। जब एसओ गुरपुर गोहनिया में एक लावारिस लाश पाते हैं तो पुलिस बिना सूचना दिए लाश को पोस्टमार्टम भेज देते हैं। जब परिजनों ने थाने में एसओ गुरपुर से कहते हैं कि जब हम लोग रात को आपको लिखित जानकारी दिए है तो आप क्यों हम लोगों को जानकारी नहीं दिए। एसओ साहब बोले कि ये दुर्घटना हुई है, जबकि मृतक के घर वाले साथ साथ एसओ गुरपुर पर आरोप लगा रहे हैं कि मेरे लड़के की हत्या एसओ द्वारा कराई गई है। जो एसओ गुरपुर लाश को पीएम हाउस भेजकर दुर्घटना दिखाकर अपराधी को बचा रही है। मृतक के परिजन का भी ये आरोप है कि अगर उच्च अधिकारी जांच करे तो एसओ गुरपुर का इस हत्या का असली मुजरिम होंगे। और ये भी आरोप है कि एसओ साहब हत्या को दुर्घटना दिखा रहे हैं। रमेश, क्या मामला है? क्या मामला है? मामला ये है सर कि कल मैंने 9 बजे रात अनिल सोनकर के पास मैंने फ़ोन लगाया, ठीक। 9 बजे उनके मोबाइल में हमसे बात हुई, ठीक। 9 के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब स्विच ऑफ हो गया तो हमने 10 बजे के बाद उनका हम ढूंढना चालू किया। हमें शंका पैदा हुआ क्योंकि रंजिश है हमारी, इसलिए मुझे शंका पैदा हुआ। हम उनको ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते थक गए। मैंने 12 बजे 1 बजे रात तक ढूंढा, 1:30 बजे रात मैंने थाने में आया। थाने में मैंने सूचित किया, दीवान जी से बोले। उसके बाद दीवान जी बड़े साहब से बात हमसे कराए। बड़े साहब बोले कि अप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, मैं सवेरे इसकी मामला की जाँच करवाएँगे, ठीक। उसके बाद मैंने सुबह खून गाड़ी उठा के जोन बाटन मैंने नैनी गया। नैनी से ढूंढ करके वापस हुआ तो मालूम हुआ कि लाश थाने पर आ गई है। हाँ, मैंने थाने पर आकर प्रयास किया। बड़े साहब पूछ रहे, कह रहे हैं कि यहाँ कोई लाश ही नहीं, कोई लाश यहाँ नहीं आई है। फिर बोल रहे हैं कि क्या तुमको मालूम है कि वही लाश तुम्हारी है। दो सिपाही वहाँ से उठा करके लेकर के चले गए जोन बाटन, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिए हैं, हमको दिखाए नहीं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी FIR दर्ज हो और 12 घंटा के अंदर हमारे मुजरिमों को गिरफ्तारी जाए। सुनील कौन है आपके? अनिल। सुनील भाई है मेरा छोटा। आपके भाई हैं तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कार्रवाई हुई है सर। अभी वो जो है एप्लीकेशन जो है हमारी लिखी गई है, मुकदमा लिखा जा गया है। बहुत प्रयास करने पर मेरा मुकदमा लिखा गया। अभी 2 बजे रात जो है। प्रयागराज से संवाददाता NK शुक्ला और घंटे शुक्ला की खास रिपोर्ट उपलब्ध। Thank you.